न्यू साइंस क्लासेस में मैं चंदन सिंह, हम पढ़ रहे हैं अवकलन। 8.3 को हमने कंप्लीट कर लिया है और 8.4 का एक वीडियो हमने बना दिया है जिसमें हमने 1 से 11 नंबर तक के क्वेश्चन आपको बताए हैं। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन dy/dx। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√ -x2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 a+b cos x / b + a cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर d/dx आप करोगे, अब इसका होगा एंगल का, तो ये आपको हो जाएगा a+b cos x / b + a cos x। ये आपको हो गया। अब इसको आप फिर सॉल्व करते हैं और तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा चला जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं b+a cos x² - a+b cos x² और ये आपका हर में आ जाएगा b+a cos x² अब इसको करिए, इसको देखिए करते हैं, इसमें अंश और हर से करेंगे तो b+a cos x d/dx आपका a+b cos x हो जाएगा। फिर माइनस, अब a+b cos x और d/dx b+a cos x और होल अपान आपका हो जाएगा ये b+a cos x² देगा। अब ये रूट से बाहर निकालेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ये आपको हो जाएगा b+a cos x / अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे a² - b², तो इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा b² + a² cos² x। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका a+b से इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 2ab cos x। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -a² - b² cos² x और फिर आपका हो जाएगा -2ab cos x। ये हो गया। अब आपको करना है इसका अवकलन, तो यहाँ पर देखिए ये करेंगे आप b+a cos x और यहाँ पर एक नहीं होगा, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा -b sin x। फिर यहाँ पर है -a+b cos x और इसका आप करेंगे तो -a sin x हो जाएगा a sin x और होल अपान फिर आपका आ जाएगा b+a cos x² अब इसमें इससे आपका ये पावर कैंसिल हो जाएगा। फिर और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए a² से इसमें a² है तो ये आपका a² हो गया और यहाँ पर b² cos² x है और ये यहाँ पर 2ab है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 1/, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, अब इसमें b² है ये a² तो ये हो जाएगा b² - a² हो जाएगा और उसके बाद इसमें cos² x कामन है तो यहाँ पर हम माइनस का cos² x ले लेंगे कामन, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा ये प्लस का हो जाएगा b² - a² ये भी हो गया इतना। अब उसके बाद में यहाँ पर आप चेंज करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा -b² sin x और ये हो जाएगा -ab sin x (cos x) और ये हो जाएगा -± +, तो ये आपका हो जाएगा a² sin x और ये हो जाएगा प्लस का ab sin x (cos x) और अपान में आपका हो जाएगा b+a cos x। ये हो गया। अब इसमें जो काट रहा है उसको काट दीजिए, ये जो है आपका इससे कैंसिल हो रहा है, इतना आप नोट करिए।
इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से, अब यहां पर आपका बचा हुआ है ये 20 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका हो गया कॉमन। तो यहां पर आपका बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका था बी स्क्वायर और ये था आपका ए स्क्वायर। तो अब यहां पर है आपका साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ पर आपने साइन एक्स को कर लिया कॉमन। अब आपका अंदर बच रहा है, अगर माइनस कर लें माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर बच रहा है, और यहाँ पर आपका बचा बी प्लस ए कॉस एक्स, ये आपका इतना बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इसको आप कर सकते हैं, ये आपका अंडर रूट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है साइन स्क्वायर होगा, और रूट से जब उसको बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है माइनस का, और ये आपका साइन एक्स ऊपर है और अपान में है बी प्लस ए कॉस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इसको भी हम कैंसिल करेंगे यहाँ तो इसमें रूट है हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अब आगे क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट करके बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसमें कोई अलग से ट्रिक नहीं लग रही थी, इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये है। यहां पर आपको कर दीजिए x बराबर cos थीटा पर, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x। अब यहां पर करके काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स 1 अपॉन 2 और x की जगह पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा वाई बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन, ये फार्मूला होता है cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई बराबर 2 थीटा, और थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो cos इनवर्स x। अब यहाँ पर आपको करना होगा अवकलन, जब आप अवकलन करोगे तो ये 2 और cos इनवर्स x का होता है माइनस का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया गया है वाई इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप लगा देंगे योगांतरानुपात, यहाँ पर आप लगाएंगे योगांतरानुपात, लगा देते हैं योगांतरानुपात लगाते हैं, योग और अंतर करेंगे हम इसके अंदर, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें इसको जोड़ेंगे और इसी में इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और होल अपान आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इसको घटाना है तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपका हो गया tan इनवर्स 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा।
अब यहां पर आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं dy by dx, यहां पर कर लीजिए आप, या हम x स्क्वायर बराबर यहां पर cos थीटा रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका मान रख लेंगे, अलग अलग करके रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अवकलन आपका होगा dy dx का इसका, तो क्या करेंगे हम, अच्छा तो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इतना कर दिया। अब फिर जब ये वर्ग है तो आपका हो जाएगा dy by dx, डायरेक्ट करते हैं, ये आपका स्क्वायर जो लगा है इससे रूट आपका हट जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर एक है तो ये आपका इससे गुणा भी होगा तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रखेंगे आप अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर का जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x माइनस। अब यहाँ पर आपको करना है 1 प्लस x स्क्वायर को रखना है और जब इसका अवकलन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस का 2x, ये हो गया होल अपॉन आपका हो जाता है यहाँ पर इसी का हर का जो वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा ये 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप हर देख रहे हैं दोनों अलग अलग है तो इसका इससे गुणा हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और ये x, और फिर यहाँ पर जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हर जगह चेंज है तो इसका गुणा हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये दोनों जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट बी, तो 1 माइनस x की पावर 4 और यहाँ पर बचा 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। फिर आप थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा k बाई 2। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर x आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा कितना 1 माइनस x स्क्वायर बचा और यहाँ पर बचा 1 प्लस x स्क्वायर और पूरे का बटा आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4 और 1 माइनस x स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया 1 1 2, यानी कि 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस x की पावर 4 आ जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा x अपॉन रूट 1 माइनस x की पावर 4, ये आपका आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये है वाई स्क्वायर को दिया है आपको कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 की 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n, ये दिया गया है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 cos इनवर्स 1 माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर n का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम x की पावर n इक्वल टू पुट कर दें क्या tan थीटा पुट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर n, ये हो जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे y स्क्वायर टू आपका हो जाता है cos इनवर्स, अब यहाँ x की पावर n की जगह पर आपको ये रखना है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 cos इनवर्स और ये आपका फार्मूला cos टू थीटा का, ये हो जाएगा 2 थीटा, y स्क्वायर टू cos इनवर्स से cos कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 और थीटा की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x की पावर n। अब इसका करना है आपको अवकलन तो हो जाएगा dy by dx, 2 को रखोगे इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x का
का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर x की पावर n का हो जाएगा स्क्वायर, और इसका होगा फिर d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और इसका जब अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को नोट करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको समझ में क्वेश्चन आए या नहीं आए, और शेयर कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बायस पर को क्वेश्चन दिया है, टैन इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स और प्लस ए साइन एक्स, ये दिया गया है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ए बराबर हम पुट कर देते हैं साइन अल्फा, और बी बराबर पुट कर देते हैं कॉस अल्फा। अब इससे करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स, और एक जगह पर आपको रखना है साइन अल्फा कॉस एक्स, माइनस बी की जगह पर रखना है कॉस अल्फा और साइन एक्स, पूरे का बटा हो जाएगा बी की जगह पर आपको रखना है ये और एक जगह पर वो, तो वही रखते चले जाइए कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा और साइन एक्स। अब ये आपको हो जाएगा वाई स्क्वायर टू टैन इनवर्स, और ये ऊपर फार्मूला बना है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना, और ये बन गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस अल्फा माइनस एक्स का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स साइन और कॉस मिलकर हो गए टैन, ये बराबर है इसलिए हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स, तो यह जाएगा वाई बराबर टैन इनवर्स से टैन कैंसिल तो अल्फा माइनस एक्स। अब इसका आप कर दोगे अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा का जीरो और इसका हो जाएगा माइनस, ये हो गया। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इतने क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई स्क्वायर को दिया है आपको टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स बराबर आप पुट कर लीजिए साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बार मैंने बताया, पहले बताया है वीडियो में कि जब माइनस का जब हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में या तो हम कॉस को पुट करते हैं या तो साइन को पुट करते हैं। अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन होती है, तो हम कॉट स्क्वायर को पुट करते हैं या टैन स्क्वायर को पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, और यहाँ एक्स थीटा पर आपको रखना है साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यह आपका होगा वाई स्क्वायर टू टैन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे। फिर वाई स्क्वायर टू हो जाएगा आपका टैन इनवर्स, और साइन थीटा की जगह पर हाफ इंटर में फार्मूला लगा सकते हैं साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हाफ इंटर में थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 और स्क्वायर से ये कैंसिल। वाई बराबर आपको हो जाएगा टैन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो टैन थीटा बाई टू हो जाएगा, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल तो वाई बराबर हो जाएगा थीटा बाई टू। अब इसका जो करेंगे तो 1 बाई टू, और यहाँ से थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स,
अब इसका कर देंगे अवकलन तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 by 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका।